अब नानू को तो खिलाओ। नहीं खा लो अभी, खा लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं कविता स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल कवि दी फैमिली व्लॉग्स पर। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली कि मैंने ना कोई भी ब्लॉग या किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं डाला। एक्चुअली क्या है, आप सबको पता है कि अभी मेरा जॉब स्टार्ट है, तो इसी वजह से क्या है ना कि टाइम इतना मिल ही नहीं पाता है कि व्लॉग्स वगैरह बना पाऊँ। सो आज मैंने सोचा कि आज अचानक से क्या है ना, पापा और भाई आए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज क्या है ना कि पापा मतलब यहाँ पे उनके कोई फ्रेंड थे, तो आसपास में ही कोई गांव पड़ता है, तो पापा जी मतलब वहाँ पे मतलब आए हुए थे, मतलब इसी वजह से फिर पापा ने सोचा कि चलो वहाँ पे आए हैं तो इसी बहाने यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्या है ना कि विहान की वजह से मेन पापा का काफ़ी मन कर जाता है, तो फ्रेंड्स बस इसी वजह से आए थे। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं कर रही हूँ खाने का प्रिपरेशन। तो मैंने दाल बना ली है, और मतलब कि थोड़ा सा फिर अभी मैं ना वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो उसी के लिए मैंने सारा प्रिपरेशन कर रखा है। और यहाँ पर अभी मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज, तो क्या है ना कि काफ़ी अच्छी लगती है, कभी कभी ओकेजनली बना लेती हूँ मैं। एक बार मतलब अभी कुछ दिन पहले भी आन के पापा ने बोला था कि ना काफ़ी दिन हो गए, मतलब सोच रहा था मैं कि वेज बिरयानी बनाती, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम उस दिन ट्राई किया था, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। और बस उसके बाद में रेगुलर रूटीन में मतलब कि जैसे हम रेगुलर जीरा वगैरह डालते हैं वो सारी चीज़ें डाल के, और फिर बाकी जैसे कि तेज़पत्ता वगैरह और जो बाकी चीज़ें डालते हैं वो तो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि विहान के पापा इतना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी वजह से मैंने नहीं डाला है, तो खाली से मतलब कि जीरा डाला है। सो बस वही है फ्रेंड्स कि अभी जो मैंने प्याज भून के रखी थी ना, तो वो मतलब कि डाल रही हूँ। और साथ में फिर क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब कि हलवा भी बना लिया है, तो मीठे में वो हो जाएगा। और पापा को चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसी वजह से क्या है ना मतलब जब भी पापा आते हैं तो मैं उनके लिए ज़रूर से बनाती हूँ, तो उनको बहुत अच्छी लगती है चटनी। सो फ्रेंड्स बस चटनी बना ली है मतलब थोड़ी सी, और फिर हलवा भी तैयार हो चुका है, फिर बाद में जब खाएंगे तो फिर बस रोटी रोटी सेक दूंगी, तो बस अभी फिर वही कर रही हूँ। और क्या है ना फ्रेंड्स कि काफ़ी दिन हो जाते हैं, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं आपके साथ में इंटरेक्शन करूँ, आपके साथ बात करूँ, बट वही है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, ऊपर से फिर घर का काम भी हो जाता है, और ये विहान भी काफ़ी परेशान करते रहता है, इसी वजह से ज़्यादा मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। सो होपफुली आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी जितनी भी चीज़ों का प्रिपरेशन मैंने कर रखा था वो ऑलमोस्ट मैंने डाल दी हैं, और ये जो सोयाबीन है इनको भी मतलब फ्राई करके ही डाला है, तो बस अभी इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले। तो इसमें बस अभी मैंने डाली है लाल मिर्च, तो थोड़ा ना मतलब इसमें थोड़ा फ्लेवर अगर सही से आ जाते हैं ना मतलब स्पाइसेस के, तो फिर खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से फिर हमारे यहाँ पर वैसे भी थोड़ा ना मिर्ची थोड़ा तेज़ खाते हैं, तो इसी वजह से फ्रेंड्स अभी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, और हरी मिर्च सॉरी लाल मिर्च डाल दी है, और हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी, उसकी क्लिप मैं लेना भूल गई थी फ्रेंड्स। सो बस अभी ये हो गया है, और अभी ये जो है ना ये मैंने लिया है दही, तो इससे ना काफ़ी मतलब कि अच्छा टेस्ट आता है मतलब बिरयानी के अंदर, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी तेल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा रखनी होती है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं पानी, और पानी मैं बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बासमती राइस है तो ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा ही पानी डाला है, और मतलब पहले पानी थोड़ा सा अभी डाल दूँगी, और उसके बाद में जब चावलों को अच्छे से फैला दूँगी उसके बाद में फिर मैं बाकी थोड़ा सा मतलब और पानी इसमें ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बैठ गई है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का अवॉइड करिएगा। और क्या है कि अभी ना पूरा मतलब बोल सकते हैं कि आज जैसे 12 तारीख है, तो आज पापा आए हुए हैं, तो कल मॉर्निंग में जल्दी पापा निकल जाएंगे,
तो उसके बाद में फिर क्या है ना कि घर में कलर करने वाले हैं, सो उसी के लिए फिर अभियान के पापा की नाइट ड्यूटी भी है, तो फिर वो मतलब दिन में आके फिर कलर करेंगे घर पे, क्योंकि 2 साल हो गए फ्रेंड्स घर पे ना कलर भी नहीं हुआ है। सो इस बार सोचा कि दिवाली भी आने वाली है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार विहान का जो बर्थडे है वो पहली बार मतलब कि यहाँ पर ससुराल में मनेगा, क्योंकि उसके जो 2 बर्थडे थे फ्रेंड्स वो ना मायके में ही बने थे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ना मतलब अभी हो गई है रेडी, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से खिली खिली बनी है। हरा धनिया होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट चलिए कोई बात नहीं है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वेज बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स क्या है ना कि अभी वही है कि अभी घर पे कलर का काम शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि घर में सामान ऐसे ही फैला रहेगा। सो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर विहान और उसके नानू खा रहे हैं ऊपर देखो खाना, एक बार, तो आप मम्मा को देखो। देखिए दोनों को कितने प्यार से बैठे हैं। एक बार तो ऊपर देख लो, मौसी के पास फोटो भेजूंगी। हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये साड़ी मम्मी ने भेजी है। एक्चुअली क्या है ना कि ये वाली जो साड़ी है ये मैं मम्मी के लिए रेडी करके आई थी, लेकिन फिर मम्मी ने सोचा कि इसका कलर ऐसा है कि जो मैं करवा चौथ पे वेयर कर सकती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ना मम्मी ने ये मेरे लिए भेज दी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ी प्यारी सी साड़ी है, वैसे काफ़ी सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। पूरी ये साड़ी इस तरीके से ऐसे प्लेन है, और ये इस तरीके से फिर इस पे ना ऐसे बूटियाँ हैं, और बस ये खाली ऐसा प्लेन बॉर्डर है। तो काफ़ी मतलब कि अच्छी है ये साड़ी, और सिल्क जैसा थोड़ा कपड़ा है इसका, मतलब कि अच्छी है।